नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बेरोजगार युवकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है साथियों, ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर देखिए, यूपीएससी के नए चेयरमैन, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना बहुत बड़े बयान दे रहे हैं और ये नए नियम निकालने की बात कर रहे हैं। एजेंसियां यूपीएससी की परीक्षा सबसे मुश्किल परीक्षा में से एक मानी जाती है। दिन रात की मेहनत और खूब पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट प्री और मेंस परीक्षा तो पास कर लेते हैं, वहीं जब बारी आती है इंटरव्यू की तो उसमें दो तिहाई फेल हो जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए नया नियम लाने की योजना बना रहा है। यदि आप यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं और आपका सिलेक्शन किसी भी पद पर नहीं हुआ है तो इसके बाद जो केंद्र सरकार के विभिन्न पद, वो भी हाई लेवल का पोस्ट होता है, उसमें सिलेक्शन किया जा सकता है, ये विचार रखा गया है। चूँकि इंटरव्यू में पहुंचने के लिए जो मेहनत स्टूडेंट ने किया है और सीट के कमी के कारण जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, यानी कि वो नंबर्स चाहिए जिनको वो क्लियर हो सके यूपीएससी में सीट के मुताबिक, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको जो है दूसरे पद पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, पूरे समाचार पढ़ लें तो हमको समझ आ जाएगा पूरा एक एक बात जो है। यहाँ पर जो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हैं, अगर ऐसा होता है तो युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर खुल सकता है। यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने कहा, हमने केंद्र सरकार और मंत्रालय को ऐसे लोगों की भर्ती करने का प्रस्ताव दिया है जो सिविल सेवा और अन्य परीक्षाओं में इंटरव्यू राउंड में फेल हो जाते हैं। उन्होंने हाल ही में उड़ीसा में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोग के 23वें सम्मेलन में कही थी। अरविंद सक्सेना ने बताया, एक साल में करीब 11 लाख उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, फिर प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया होने के बाद 600 उम्मीदवारों को चुना जाता है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार भी जो वाइवा वाइस के अंतिम चरण तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन रैंक लाने में असफल हो जाते हैं। सरकार और अन्य संगठन भर्ती के दौरान उन पर विचार कर सकते हैं क्योंकि वे पहले ही मुश्किल स्क्रीनिंग परीक्षा से गुजर चुके हैं और केवल अंतिम चरण में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो ये मुद्दा भी हमने पहले ही उठा चुका है। साथियों, कम होगा परीक्षा का तनाव, अगर ऐसा होता है तो युवाओं में परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी, साथ उनके मन में नौकरी को लेकर उम्मीद बनी रहेगी। अरविंद सक्सेना ने कहा, यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया को उम्मीदवार फ्रेंडली बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जल्द ही अपने आवेदन फार्म को वापस लेने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया को उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी बनाने के लिए कई उपाय भी कर रही है। आयोग धीरे धीरे कागज और पेंसिल आधारित परीक्षाओं की बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, जब उम्मीदवार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा तो आवेदन के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। जिस स्तर पर उम्मीदवारों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वह चाहे तो अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, सक्सेना ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। हमने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था, ये यूपीएससी में जो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए किसी अन्य पोस्ट के लिए, यानी कि इंटरव्यू में पहुंचा
तो मान के चलिए कि उनका नियुक्ति होगा ही, चाहे वो क्लास टू ऑफिसर ही क्यों ना हो। तो जब ये नियम यूपीएससी लागू कर देगा तो यही नियम जो है राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी लागू हो जाएगा, और यूपीएससी जो भी नियम लागू करती है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाध्य तो नहीं है लेकिन उसी के अनुरूप जो है उनको फॉलो करती है। तो ये यूपीएससी का जो प्रयास है वो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेगा, और जो मानसिक रूप से जो तनाव है परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि आपके भी कोई राय हो इसमें तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, बेरोजगार हैं, और आपके भी कोई सपना है कि मैं भी एक सरकारी ऑफिसर बनूं और सरकारी ऑफिसर बनकर जो है मैं भी सेवा करूं देश की, तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स और लाइक में ज़रूर लिखिएगा कि यूपीएससी को और क्या करना चाहिए। अभी बहुत सारे अवसर प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, लाखों प्रतियोगी लेते हैं हिस्सा और करीब 200 उम्मीदवारों का होता है चयन, और जो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं चार गुना यानी कि 2000 के आसपास जो है वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं, 600 लोगों का चयन होता है, और जो 1800 जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वो भी योग्य हैं लेकिन पद की कमी के कारण जो है वो अपने नंबर्स लाने में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण से उसका चयन नहीं होता है। फिर उन्होंने शुरू से तैयारी करना पड़ता है। तब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने जो सोच बनाई है वो बेहतर सोच है। मैं शुभकामना देता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको भी, उनके साथ भी न्याय हो सके और उनके मेहनत को जो है यहाँ पर पुरस्कृत किया जा सके, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि आप भी मानते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप मानते हैं तो आप लाइक कर देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये राय लेनी है तो इसलिए आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।